नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्योर एजेंट कंसेप्ट की। प्योर एजेंट की जो प्योर एजेंट कौन होता है, प्योर एजेंट कैसे बना जाता है और प्योर एजेंट बनने का रिजल्ट क्या होता है। दोस्तों, इस प्योर एजेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स को रिफ्रेश करते हैं दोस्तों, क्योंकि प्योर एजेंट कंसेप्ट कहीं ना कहीं वहीं से निकला है। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बताता है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगी। वहां पर उन्होंने कहा कि कोई भी वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू बन जाएगी और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बशर्ते कि दो बातें पूरी हों। पहला, सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में अनरिलेटेड पार्टीज हों और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन हो। अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं होगी तो ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएगी और फिर हमें रूल्स को रेफर करना होगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यहां पर कुछ इंक्लूजन्स हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। इंक्लूजन्स में आप अगर टैक्सेस कोई एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो आप उसको इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में। आपने कोई मान लीजिए रेसिपिएंट सप्लायर ने कोई खर्चा करना था और वो रेसिपिएंट ने खर्चा कर दिया सप्लायर के बिहाफ पे, तो वो अमाउंट आप जो है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में जोड़ेंगे। आपने कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किए हैं वो अमाउंट आप टैक्सेबल सप्लाई में जोड़ेंगे। आपने कोई इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फाइन लिया है फॉर डिलेड कंसिडरेशन, उधार माल दिया 90 दिन की उधारी थी, 100 दिन में 120 दिन में पैसा आया, आपने उसके ऊपर ब्याज लगाया पेनल्टी लगाई, तो उसको भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में जोड़ेंगे। वो तब जोड़ेंगे जब वो रिसीव हो जाएगा। एक्चुअली एक्सक्लूजन में एक आइटम है डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन और बिफोर भी दिया जा सकता है और आफ्टर द सप्लाई भी दिया जा सकता है। अगर ऑन और बिफोर सप्लाई है तो आप सिंपली अपने इनवॉइस में से उस वैल्यू को डिडक्ट कर दें और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शैल बी नेट ऑफ द डिस्काउंट। लेकिन अगर आप आफ्टर द सप्लाई देते हैं तो आपको दो शर्तें पूरी करनी है। पहली बात, आपका एग्रीमेंट होना चाहिए वो डिस्काउंट देने के लिए, और दूसरी बात, आपके रेसिपिएंट ने कॉरेस्पॉन्डिंगली अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दिया हो। अगर ऐसा होगा तो आप डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई भी दे सकते हैं। अब ये तो हमने वैल्यूएशन की बात कर ली दोस्तों, यहीं से ओरिजिनेट होता है प्योर एजेंट का कंसेप्ट। अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्योर एजेंट कौन है। प्योर एजेंट बनने के लिए चार शर्तें पूरी करनी होती है। पहली दोस्तों, आपके सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट वर्बल रिटन कुछ भी हो सकता है, बट एग्रीमेंट होना जरूरी है कि रेसिपिएंट ने अपने बिहाफ पर काम करने के लिए सप्लायर को के बीच में एग्रीमेंट हुआ। दूसरा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट, उसका टाइटल जो है वो रेसिपिएंट का ही रहता है, आपका नहीं होता। तीसरा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदते हैं वो आप अपने अकाउंट में यूज नहीं करते, मतलब अपने लिए यूज नहीं करते, यू प्रोक्योर दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सप्लाई टू योर रेसिपिएंट। और चौथा, जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं फॉर दैट कॉस्ट और एक्सपेंडिचर विच यू हैव इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट, आप उतना ही अमाउंट रिकवर करते हैं अपने रेसिपिएंट से। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए का खर्चा किया ऑन बिहाफ ऑफ योर रेसिपिएंट, तो आप 1,00,000 ही रिकवर करते हैं, 1,01,000 नहीं रिकवर करते। अगर आप 1,01,000 भी रिकवर करते हैं देन आप प्योर एजेंट नहीं बन पाएंगे। इन चारों शर्तों को क्यूमुलेटिवली अगर आप पूरा करते हैं तो आप प्योर एजेंट बन जाते हैं। जब आप प्योर एजेंट बनते हैं तो क्या इफेक्ट आता है दोस्तों, जब आप प्योर एजेंट बनते हैं तो जो भी खर्चा कॉस्ट और एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है अपने रेसिपिएंट के बिहाफ पे, वो कॉस्ट और एक्सपेंडिचर आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में नहीं जुड़ता। रिजल्टेंटली वो कॉस्ट और एक्सपेंडिचर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं जुड़ता। अब आपको ये कब नहीं जुड़ेगा, इसके लिए आपको तीन शर्तें पूरी करनी है दोस्तों। सबसे पहला, आप सप्लायर को रेसिपिएंट ने ऑथराइज किया हो वो कॉस्ट और एक्सपेंडिचर रेसिपिएंट के बिहाफ पर इनकर करने के लिए, ऑथराइजेशन। दूसरा, पेमेंट जो आप रिसीव कर रहे हो, जो भी कॉस्ट और एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, दैट शुड बी सेपरेटली इंडिकेटेड इनटू द इनवॉइस। तीसरी शर्त कि आप सिर्फ वो कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ही इनकर नहीं कर रहे, बल्कि इन एडिशन टू दैट यू आर प्रोवाइडिंग सम मोर सर्विसेज टू द रेसिपिएंट आल्सो। फॉर एग्जांपल, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास कोई आए, उन्होंने कहा भैया मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दीजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में आरओसी की फीस जाती है, मैंने आरओसी की फीस जो एक्चुअल अमाउंट इनकर किया ऑन बिहाफ ऑफ वो सर्विसेज मैंने ली, वो खर्चा मैंने ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कर दिया।
अब सिर्फ वो खर्चा ही नहीं किया, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग हिम माई सर्विसेज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सो ये तीसरी शर्त है कि मैं सिर्फ वो कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ही इनकर नहीं कर रहा उनके बिहाफ पे, अपने रेसिपिएंट के बिहाफ पे, बल्कि मैं उनको अपनी कोई सप्लाई ऑफ सर्विस भी दे रहा हूं। तो ये तीन शर्तें अगर आप क्यूमुलेटिवली पूरी करते हैं तो आपका कॉस्ट और एक्सपेंडिचर विच यू हैव इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ योर रेसिपिएंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर ट्रांजेक्शन वैल्यू, रिजल्टेडली शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। एंड मैं ये क्यों बात बोल रहा हूं आपसे दोस्तों कि आप आज जीएसटी ऑडिट करने की स्थिति में बैठे हैं, वर्ज ऑफ स्टार्ट पे बैठे हैं। अब आपको एग्रीगेट टर्नओवर डिटरमाइन करना है। मान लीजिए एक ट्रेवल एजेंट है, ट्रेवल एजेंट ऑथराइज्ड है अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे कि वो टिकट खरीद सकता है और कोई खर्चा कर सकता है। तो जो टिकट वो खरीदता है, जो भी खर्चा वो अपने क्लाइंट के रेसिपिएंट के बिहाफ पे करता है, तो वो खर्चा जो है वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड जो 2 करोड़ की आपने डिटरमाइन करनी है फॉर डिसाइडिंग कि उसके ऊपर जीएसटी ऑडिट लगता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में या नहीं लगता है। सिमिलरली जैसे कि कस्टम हाउस एजेंट्स हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, ये सब लोग भी बहुत सारे खर्चे करते हैं अपने रेसिपिएंट्स के बिहाफ पे, ये भी नहीं जुड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ऑडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे टैक्सेस पे करते हैं, फीस पे करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स और उसको रिकवर करते हैं एक्चुअल अमाउंट को, ये भी नहीं जुड़ेंगे इन द कोर्स ऑफ डिटरमाइनिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ऑडिट। इवन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी मान लीजिए सप्लायर ने रेसिपिएंट ने सप्लायर को बोला कि एक स्पेसिफिक मटेरियल आप लगाइए और मेरे बिहाफ पर ये एडिशनल खरीद लीजिए विच इज नॉट देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो भी वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा। वेडिंग प्लानर्स है, वेडिंग प्लानर्स बहुत सारे ऐसे काम कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड जाकर भी वो कुछ चीजें ऑल ऑफ अ सडन रेसिपिएंट ने कहा नहीं ये वाला काम इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा, तो आप एडिशनल खर्चा जो भी आप करें जो कि मुझे करना था रेसिपिएंट को आप कर दीजिए, वो भी उसके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये पूरी बात प्योर एजेंट की बहुत अच्छी लगी होगी और यूजफुल होगी आपके लिए, क्योंकि प्योर एजेंट बनना अगर आप जेन्युइनली कोई कॉस्ट और एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं अपने रेसिपिएंट के बिहाफ पे तो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू में वो बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहिए, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए और जीएसटी ऑडिट की थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करते हुए भी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा। दोस्तों इन सब बातों का आप ध्यान रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी सवाल आपका है आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।